हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए एक और खुशखबरी, नई भर्ती आ गई है। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में UPSSSC में आई है असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, इसकी भर्ती आई हुई है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए तो देखते हैं, पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से भरना चालू होंगे। तो फॉर्म जो है वो 20/2/2024 से, 20/2/2024 से जो है आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है 11/3/2024 जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। साथ ही पेमेंट लास्ट डेट ये भी आप 11/3/2024 तक कर सकते हैं, और करेक्शन की लास्ट डेट रहेगी वो 18/3/2024 रहने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि कृपया कर 20/2/2024 से जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तो आप लास्ट डेट का इंतजार न करें, लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म को भर दें। और फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें, अच्छे से चेक करने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करें, जिससे कि आपको करेक्शन और बाद में आपका टाइम खराब ना हो। साथ ही देखते हैं एग्जाम डेट, अभी हम एज पर शेड्यूल होगी, ठीक है। तो चलिए और देखेंगे हम कि कितनी फीस आपको लगने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यानी कि किसी भी कैटेगरी के आप हैं तो आपको जो है वो 25 रुपये फीस लगने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम देखेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, कितनी उम्र या कितनी एज इसमें मांगी गई है। तो मिनिमम एज जो है आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। साथ ही अधिकतम जो है आपकी 40 वर्ष आयु होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। एज लिमिट जो है वो 1/7/2024 से तक काउंट होगी, 1/7/2024 तक आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हम देखेंगे कि पोस्ट कितनी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमारी इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की है वो 668 पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट स्पेशलिस्ट की 950 पोस्ट है। कुल मिलाकर टोटल जो है यहाँ पे 1828 पोस्ट है, टोटल पोस्ट 1828 है। इनमें असिस्टेंट अकाउंट 668, असिस्टेंट अकाउंट स्पेशल जो है वो 950 जनरल और स्पेशल, ठीक। असिस्टेंट अकाउंटेंट एक और ऑडिटर की यहाँ पे 209 पोस्ट है, ठीक है। साथ ही हम बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंट जनरल, इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कौन कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या योग्यता आपको मांगी गई है। तो इसमें मांगा गया है कि पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड मांगा गया है। साथ ही बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, तो इस भर्ती को केवल कॉमर्स जिन्होंने बीकॉम किया है कॉमर्स वाले लोग ही भर सकते हैं। तो जिन्होंने अगर बीकॉम किया है और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी या फिर पीजी डिप्लोमा जो है वो अकाउंटेंसी में किया है, ओ लेवल एग्जाम पास्ड मोर, साथ ही ये तीनों जो है आपके पास में होना चाहिए। इनमें से बीकॉम होगा तो भी आप भर सकते हैं, डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होगा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट स्पेशल की, इसमें 950 पोस्ट है। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए भी आपको 2023 का स्कोर कार्ड चाहिए रहेगा पीईटी का, साथ ही बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम चाहिए रहेगा, और डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी ये भी आपको या तो बीकॉम होना चाहिए या फिर ये पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही जो है अब हम बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसके लिए भी आपको वही पीईटी का स्कोर चाहिए रहेगा 2023 का, बैचलर डिग्री बीकॉम जो है आपको चाहिए रहेगी, पीजी डिप्लोमा अकाउंटेंसी ये भी चाहिए रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक होना चाहिए, ये या तो बैचलर डिग्री है तो भर सकते हैं या फिर पीजी डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं। साथ ही पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड इसके लिए भी और ऑडिटर के लिए भी, बैचलर डिग्री बीकॉम और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ रही होंगी। अब देखेंगे कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की, तो इसमें 387 पोस्टें हैं वो जनरल के लिए हैं। साथ ही इसी में 66 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक, और 117 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए है, 88 पोस्ट जो है वो एससी के लिए है, 10 पोस्ट जो है वो एससी के लिए है। तो ये टोटल कितनी हुई, 668 पोस्टें हुई, ठीक है। ऑडिटर के लिए जो है वो 99 पोस्ट जो है वो जनरल के लिए है, 20 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 58 पोस्ट ओबीएस
वो भी सीख लिए हैं, और 28 पोस्ट जो है वो एससी के लिए है, साथ ही 4 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए है, तो टोटल 209 पोस्ट इसमें है। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट इसमें एक ही पद है वो भी जनरल का, तो टोटल पद एक ही होगा। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट स्पेशल इसमें भी आपको जनरल के लिए कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के कोई पद नहीं है, 513 पद है ओबीसी के लिए, 399 पद है एससी के लिए और 38 पद है एसटी के लिए, तो टोटल 950 पद हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो सिलेबस रहने वाला है, कुल प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी कितनी, यहाँ पे 100 रहने वाली है, अंक निर्धारित 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी कुल मिला के 100 ही अंक होंगे। आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, इसमें रहेंगे अंकेक्षण, अंतिम खाता, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, इस प्रकार से ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी रहने वाली, 1/4, यानी अगर आप एक उत्तर सही देते हैं तो आपको मिलेगा 1 नंबर, और आप अगर गलत करते हैं तो आपका जो है वो 25% यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।